सहस्त्रधारा फॉल, जहां एक तरफ लोग इसे बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट ऑफ देहरादून, हेवन वाला सल्फर वाटर स्पॉट, बेस्ट व्यू, ये सब कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे ओवर हाइप, बहुत ज्यादा क्राउडेड, अनहाइजीनिक जगह कह रहे हैं। अब इधर की सच्चाई जानने के लिए मैं घर से निकल गया उत्तराखंड के लिए। अपने भाई बहन के साथ लोटते पोटते गिरते फिरते हम पहुंच गए देहरादून इधर का एक्सपीरियंस लेने। कुछ लोग बता रहे थे कि इधर आने का बेस्ट टाइम है मई से अगस्त के बीच, और मैं तो जून में आ गया, बढ़िया ही होगा फिर तो। बता दूं कि देहरादून से सिर्फ 10-15 किलोमीटर की दूरी पे ये फेमस टूरिस्ट स्पॉट सहस्त्रधारा फॉल है, और लोग इधर नहाने इसलिए आते हैं क्योंकि इधर के पानी में सल्फर पाया जाता है, जो इसके कुछ मेडिकल बेनिफिट्स हैं। खैर, धूप बहुत थी, क्राउड बहुत ज़्यादा था, गंदगी बहुत बहुत ज़्यादा थी, मेंटेन तो किया ही नहीं इधर के लोगों ने। आप देख ही सकते हो कि पानी का कलर बहुत मटमैला था इस समय, जैसा सोच के आए थे वैसा तो नहीं मिला। लेकिन देखो, मैं कोई होता नहीं हूँ जो बुराई करूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और 10-12 साल पहले ये जगह काफ़ी प्यारी होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट का ध्यान ना देने की वजह से और ज़्यादा टूरिस्ट की वजह से बर्बाद हो गई है, जैसा कि हमने एक रिव्यू में पढ़ा। तो यार, मैं अभी हूँ सहस्त्रधारा पे, इधर पर सब नहाते हैं, टूरिस्टिक एरिया है पूरा, ये देखो आप सब नहा रहे हैं, इतनी भीड़ लगी हुई है और बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। देहरादून से 10 किलोमीटर दूरी पे है, और लोग इसे सहस्त्रधारा प्रोनाउंस गलत करते हैं, बल्कि इसका टीन ही आता है, सहस्त्रधारा होता है। सो आज मैं अपने भाई बहन के साथ आया हूँ, ये उत्तराखंड देहरादून, और कहते हैं कि इधर हज़ार मतलब नदियों का पानी है, सहस्त्र मतलब हज़ार होता है, सो इस तरीके से। बट यार बहुत ज़्यादा भीड़ है, पानी बहुत गंदा है इस समय, ज़्यादा उस हिसाब का फन है। नहाने के बाद पास में ही महादेव का मंदिर है, हम लोग फिर उधर पर गए, ये काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इधर पर गुफा था, पहाड़ के पास में था, ठंडक थी इधर पर, तो इधर पर काफ़ी मज़े आए। तो यार ये पहाड़ 5000 साल पुराना है और इससे पानी आ रहा है हर जगह, देखो। तो यार वो देखो सहस्त्रधारा जी बह रही है, मतलब इधर पर सब जगह अलग अलग स्विमिंग पूल टाइप के बने हैं, और वो अपनी रोपवे जा रही है, वो जा रही है ऊपर, तो उधर पर अपना कुछ मंदिर होगा, एंड उधर पर वाटर पार्क है जॉयलैंड, ठीक है। इधर पर हमारा शिव जी का एक मंदिर है इस साइड को, ये पहाड़ों के बीच, और बहुत टूरिस्टिक एरिया है ये, काफ़ी टूरिस्ट आते हैं इधर पर, बहुत भीड़ भी है, गर्मी भी हो रही है, देहरादून से 10 किलोमीटर की दूरी पे अभी। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ पहला स्पॉट था जहाँ हम लोग गए, इसके बाद तो अभी हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करनी है, आगे वाली वीडियोस में उसकी वीडियोस आने वाली हैं। और मैं कहूँगा कि सहस्त्रधारा मुझे तो बहुत ओके प्लेस लगी, एक बार जाना है तो आप चले जाओ, बार बार जाने की जगह अभी तो नहीं है शायद इस समय, हो सकता मैं गलत भी हूँ, सो यही मेरा ओपिनियन है। तुमने मेहमानी करी, मेहमानी जब ढील होती अभी मैं इधर पर ऋषिकेश में हूँ, ऋषिकेश के शिवपुरी एरिया में, इधर पर पूरा ये एडवेंचर्स लोगों का हब है, इधर पर राफ्टिंग होती है, इधर पर बंजी जंपिंग होती है, पीछे आपको देख रहा होगा बंजी जंपिंग का स्पॉट आएगा, सबसे इंडिया की हाईएस्ट जंपिंग 117 मीटर कुछ होती है। अभी हम लोग अपने ऑन द वे हैं, हेमकुंड साहिब जाना है हमें, और उधर पर आपको दिख रहा है एक और एडवेंचरस चीज़ है, कैंपिंग, ठीक है। तो उधर आपको दिख रहा होगा कैंपिंग वगैरह भी होती है, जहाँ पर लोग रात भर रुकते हैं, दिन भर रुकते हैं, खाना पीना मस्ती सब चीज़ें वहीं ऊपर होती हैं। सो या दिस इज मी